आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारी कोर स्ट्रेंथ हमारी सेंसरी सिस्टम्स को इफेक्ट करती है, कौन कौन से सेंसरी सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, उसका जो इफेक्ट है सेरेबेलम, हमारे ब्रेन, ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेबेलम, दैट इज नोन एज लिटिल ब्रेन, उसको अफेक्ट करती है और जिसकी वजह से हमारा अटेंशन, थिंकिंग एंड इमोशनल कंट्रोल हमारा कम होता है, उधर इश्यूज आते हैं और इम्पल्सिविटी बढ़ती है। एंड लास्ट, बिकॉज इतना सारा हम लोगों ने कोर स्ट्रेंथ पे बात किया, तो कैसे हम उसको असेस कर सकते हैं, कैसे मैं जानूं कि मेरे बच्चे की कोर वीक है या सही है, वो कैसे असेस करना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड पार्ट। प्रीवियस पार्ट्स में हमने जाना कि कैसे कोर स्ट्रेंथ ब्रेन प्रोसेसिंग को अफेक्ट करती है, ब्रेन प्रोसेसिंग की स्पीड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पार्ट में हमने जाना कोर स्ट्रेंथ लैंग्वेज एंड स्पीच को कैसे अफेक्ट करती है, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखिए, कोर स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूँ, कोर स्ट्रेंथ हेल्प आउट क्या करती है हमें, बॉडी बैलेंस। बैलेंस कैसे, कि जब मैं वॉक कर रही हूँ तो मेरा वेट इस तरह से जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो कि मैं अपनी बॉडी को सीधे रख पाऊँ, ठीक है, उसको स्टेबल रख पाऊँ और सीधे रख पाऊँ अपराइट पोजीशन में। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा बैलेंस अच्छा है। नेक्स्ट इज बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर क्या होता है कि अगर मेरी कोर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, मैं अपनी बॉडी को स्टेबल नहीं रख पाऊंगी, बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, एंड व्हाट विल हैपन कि मेरा बॉडी पोस्चर, मैं ऐसे करके चल रही हूँ ना, गर्दन किधर है, कंधे किधर हैं, मतलब एक अलाइनमेंट नहीं है मेरी बॉडी की। एक अलाइनमेंट कि जो हमारे हेड, शोल्डर, हिप्स, दिस ट्रंक, नीज, एंकल, इनका एक अलाइनमेंट नहीं है। अगर सीधी लाइन में अलाइनमेंट नहीं है और कहीं पे भी ऐसे हल्का सा है या ऐसे हल्का सा है कर्व, तो हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है, तो उधर हमारे फिर बैलेंसिंग के भी इश्यूज आएंगे एंड हमारे ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था, वो सारे इश्यूज आएंगे। अब बैलेंस अगर मैं बात करूँ, कोर स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूँ, कैसे हमारे सेंसरी सिस्टम्स पे डिपेंड करता है। देखिए, जब हम सेंसरी सिस्टम से इनपुट लेते हैं, कैसे, अगर मैं बात करूँ, मेरा बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले मेरा प्रोप्रियोसेप्शन इशू आएगा। प्रोप्रियोसेप्शन अगर मैं बात करूँ, दैट इज 80% ऑफ आवर बॉडी, हमारे जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उधर से जो हमें इनपुट मिलता है, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, कितना प्रेशर आ रहा है, कितना प्रेशर मुझे लगाना है, कैसे मुझे उसको, अब हवा चल रही है, मैं अपनी बॉडी को सीधा रखने के लिए कितना फोर्स मेंटेन करूँ कि मेरी बॉडी सही रहे, सीधी रहे, वो सारी चीज़ें जो हैं प्रोप्रियोसेप्शन के अंडर आती हैं। प्रोप्रियोसेप्शन में क्या आता है, बॉडी मूवमेंट। अब मुझे वॉक करना है, कैसे मुझे अपना एक फुट आगे रखना है, हैंड की मेरी पोजिशन कैसे रखनी है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। और मैंने बात किया था, जब हमारी कोर स्ट्रेंथ वीक रहती है तो हमारे ग्रोस मोटर इश्यूज आते हैं, दैट मींस कि हमारी कोर स्टेबल नहीं है, बॉडी स्टेबल नहीं है, तो हैंड एंड बॉडी, हैंड एंड लेग मूवमेंट कंपनसेटरी मूवमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन इशू आएगा। तो दिस इज नंबर वन, कि हमारा प्रोप्रियोसेप्शन सिस्टम जो है गड़बड़ा गया। द सेकेंड थिंग इज, क्योंकि बॉडी स्टेबिलिटी नहीं है, बॉडी स्टेबिलिटी नहीं है तो वीक मसल टोन है, वीक मसल टोन है तो नेक स्टेबिलिटी नहीं है, नेक स्टेबिलिटी नहीं है तो नेक मूव करेगी, नेक मूव करेगी तो क्या होगा, जैसे ही हेड मूवमेंट होते क्या होता है, हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ होता है, हमारे इनर ईयर में, इनर ईयर में। तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, हमारी हेड स्टेबल नहीं है, तो हमें वेस्टिबुलर सेंस से कि वेयर इज माई बॉडी इन रिलेशन टू स्पेस, अब मैं भाग के मैंने जंप किया तो क्या हुआ, मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम मूवमेंट में, मेरी बॉडी मूवमेंट अपने आप को अपराइट रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, अब वो वीक है तो क्या होगा, मैं धड़ाम से गिर जाऊंगी,
मैं जंप करने के बाद सीधा खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मेरा जो कोर है मेरे वजन को नहीं मैनेज कर पाएगा। तो वेस्टिबुलर सिस्टम एक हैम्पर कर रहा है, और वेस्टिबुलर सिस्टम में जब भी इशू होंगे तो ऑडिटरी सेंस में होंगे। देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर अभी हमने क्या बात किया, प्रोप्रिसेप्शन में इशू, वेस्टिबुलर सेंस में, ऑडिटरी में। द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि हेड स्टेबिलिटी नहीं है, हेड स्टेबल नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं जब विजन की, आईज विद इन आर हेड, हमारी आईज है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए, जो विजन को कंट्रोल करने के लिए जो मसल्स यूज होती हैं वो हमारी स्ट्रांग नहीं है, और फिर वो क्या होगा, आईज स्टेबल गेज नहीं कर पाएगी। मेरा हेड यहाँ मूव कर रहा है लेकिन आईज को वहाँ मूव करना है, लेकिन आईज कहीं और मूव कर रही है, तो वो हम लोगों ने ओक्यूलर मोटर डेफिसिट में भी करा है कि दोनों आईज जो है टीम अप नहीं कर रही, या फिर मसल्स इतनी वीक हैं कि हेड मूवमेंट के साथ कंपनसेट नहीं कर रही हैं, तो जिसकी वजह से विजुअल इश्यूज आएंगे। तो दिस इज विजुअल सेंसरी सिस्टम। तो आप देखेंगे इसमें आपके जो मेन मेन जो सेंसरी सिस्टम है जो आपको हेल्प आउट करते हैं इन डे टू डे लाइफ फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, वो सारे हैम्पर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी हैव अ वीक कोर, कोर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये चारों सेंसरी सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, इनमें इश्यूज आ रहे हैं, और हमारे जो डे टू डे परफॉर्मेंस है वो सही नहीं आ रही है। ग्रोस मोटर में इशू आ रहे हैं, फाइन मोटर में इशू आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि कैसे कोर स्ट्रेंथ की वजह से बैलेंस में इश्यूज आए, बैलेंस इश्यूज की वजह से हमारे सेंसरी सिस्टम में इश्यूज आए। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारा लिटल ब्रेन, सेरेबिलम, सेरेबिलम क्या होता है, ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है कि मेरा बॉडी को मैं कैसे बैलेंस करूं, कैसे मैं कंट्रोल करूं अपनी बॉडी को, दैट फंक्शन इज ऑफ सेरेबिलम। अब वीक कोर है, ठीक है, तो बैलेंसिंग वीक है, तो सेरेबिलम जो हमारा है दैट इज वीक, वीक सेरेबिलम है। अब सेरेबिलम वीक का मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बॉडी कंट्रोल कम रहेगा। बॉडी कंट्रोल मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में भी अपना बताया है कि अब आप रन कर रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन आपने देखा कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, बट आपका बॉडी कंट्रोल नहीं है कि आप उस टर्न पे स्पीड कम करनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर द टर्निंग यू हैव टू स्लो योर स्पीड। अब अपने बॉडी का इतना कंट्रोल नहीं है क्योंकि सेरेबिलम इज वीक, आप उतनी स्पीड से जाएंगे और टर्न पे आप स्लिप हो जाएंगे, आप गिर गए। तो हम बोलते हैं कि बच्चा बहुत टक्कर होती है उसकी, बच्चा बहुत गिर जाता है, बार बार चीज़ों में टक्करें मारता है, लोगों में टक्करें मारता है, अनइंटेंशनली, इंटेंशनली नहीं, वो भागता भागता आ रहा है, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, जस्ट बिकॉज सेरेबिलम इज वीक, ठीक है। तो अब सेरेबिलम का बैलेंस एंड कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, ये हमने क्लियर किया। अब सेरेबिलम वीक है तो जो बाकी और फंक्शन है सेरेबिलम के उनको भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज सेरेबिलम इज नॉट प्रॉपरली ग्रोन, वो अच्छे से नहीं काम कर रहा है। तो और क्या क्या फंक्शंस हैं सेरेबिलम के, सेरेबिलम हेल्प्स अस इन इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन कि आपको कब हंसना है, कैसे हंसना है, ओवर एक्साइटमेंट, अंडर एक्साइटमेंट, ज़्यादा गुस्सा आ जाना, कम, मतलब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना, बहुत ज़्यादा रोना, टेंट्रम्स। तो जब इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं, इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। तो सेरेबिलम वीक है, वीक सेरेबिलम हो जाए है तो ये इशू आया। साथ ही साथ सेरेबिलम को हम लोग लिटिल ब्रेन इसलिए भी कहते हैं बिकॉज दिस इज़ द थिंकिंग रोल, इसका एक बहुत मेजर रोल रहता है हमारी लैंग्वेज में, थिंकिंग में और अटेंशन में। तो जब सेरेबिलम वीक है तो ये सारे बच्चे की जो है लैंग्वेज एंड स्पीच में इशूज आएंगे, बच्चे की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने समझने की क्षमता है वो कम होगी और अटेंशन एंड फोकस कम रहेगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है अबाउट बैलेंस एंड सेंसरी सिस्टम, बैलेंस एंड कोर स्ट्रेंथ, एंड हाउ सेरेबिलम इज रिलेटेड टू कोर एंड बैलेंस, और क्या क्या इश्यूज आएंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन विद कोर स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा एंड ब्रेन प्रोसेसिंग अच्छा होगा, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारा था
इस चीज के बारे में. द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बहुत बड़ा, क्योंकि अभी आप बोलेंगे इतनी सारी वीडियोस आपने बना दी मैडम कोर स्ट्रेंथ पे, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे की कोर स्ट्रेंथ वीक है. देखिए, अब सिर्फ देख के तो मैं जज नहीं कर पाऊंगी, अच्छा इसकी कोर स्ट्रेंथ कम है, वी कांट जज इट. सिर्फ उसको देख के हम लोग कब जज कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा कि बच्चा ढीला ढाला पड़ा हुआ है, हर टाइम वो सही से बैठ ही नहीं पा रहा है एक जगह पे, उसको बार बार कंपनसेटरी मूवमेंट, अब बैठ गया, अब ऐसे करा, ऐसे ऐसे, मतलब बार बार उसको मूवमेंट चाहिए टू कंपनसेट और स्टेबिलिटी, वो अपनी बॉडी को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, चलने में उसको सीधा एक अलाइंड पोस्चर नहीं है, ठीक है, चीज़ों में जैसे कंट्रोल नहीं है, उनका बॉडी कंट्रोल कम है, तो उससे हम असेस कर सकते हैं, बट प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते हैं, बट आइडिया लगा सकते हैं दैट दीज आर द साइंस ऑफ वीक कोर. ठीक है, अब कोर वीक है, उसका सबसे अच्छा असेसमेंट का तरीका रहता है स्पाइडरमैन पोज. ठीक है, स्पाइडरमैन पोज, टमी टाइम, टमी पे बच्चे को लिटाया, हैंड आगे, लेग्स पीछे. ठीक है, तो स्पाइडरमैन पोज जब आप कराएंगे तो बच्चा क्या उसको होल्ड कर पा रहा है, तो क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा. देखिए, अगर बच्चा 4 ईयर का है तो आपने काउंट करना है, जैसे उसने स्पाइडरमैन पोज किया, क्या वो 15 से 18 सेकंड तक उस पोज को होल्ड कर पा रहा है. अगर बच्चा 15 सेकंड भी स्पाइडरमैन पोज को, जो है सुपरमैन पोज, सॉरी स्पाइडरमैन बोल दिया मैंने, सुपरमैन पोज को अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहा है 15 काउंट तक भी, दैट मींस बच्चे की कोर वीक है. 5 ईयर के बच्चे के लिए 31 से 60 सेकेंड, देखिए ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, दिस इज अ रिसर्च पेपर, उधर ये मेंशन किया गया है इन अ स्टडी कि इतना मिनिमम काउंट तक बच्चा होल्ड करे. तो 5 ईयर के लिए क्या है, 31 to 60 सेकेंड, इस टाइम लिमिट तक बच्चा अगर होल्ड करता है तो बच्चे की कोर स्ट्रेंथ अच्छी है. अगर 31 सेकेंड तक भी होल्ड नहीं कर पा रहा, कोर वीक है. 6 ईयर के लिए 63 सेकेंड, मिनिमम 63 सेकेंड. 7 ईयर के बच्चे के लिए 90 सेकेंड. 8 ईयर के बच्चे के लिए 120 सेकेंड, दैट इज 2 मिनट मिनिमम काउंट है, कि मिनिमम 2 मिनट्स तक अगर होल्ड करते हैं दैट मीन्स कोर स्ट्रेंथ इज गुड. लेकिन अगर उससे कम कर रहे हैं, जो मैंने अभी स्पेसिफाइड लिमिट बोला है, टाइम लिमिट, अगर उससे कम होल्ड कर पा रहा है बच्चा, तो हमें कोर स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा. अब बात करेंगे हम लोग कोर स्ट्रेंथ की एक्टिविटीज़ के बारे में. देखिए, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में कोर स्ट्रेंथ नाम से एक फोल्डर बनाया है, वहाँ पर जो मैंने प्रीवियस वीडियो शेयर की हैं कोर स्ट्रेंथ पे, मैंने एक्टिविटी वीडियोस, क्योंकि अगर हम लोग एक्टिविटीज़ की बात करें, हमें रनिंग, जंपिंग, गोइंग अप, गोइंग डाउन, ये सारी तो हम लोग कराते हैं, या दीज आर बेसिक एक्टिविटीज़, बेसिक डेली एक्टिविटी की कोई भी चीज़ आप करेंगे इसमें ये चीज़ चाहिए. बट स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ आर एनिमल वॉक्स, जितनी भी हमारी एनिमल वॉक्स हैं उससे कोर स्ट्रेंथनिंग होती है, जिम बॉल एक्टिविटीज़ से कोर स्ट्रेंथ होती है, एंड और बहुत सारी फर्दर मैंने 8 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ शो की थी. अब इन द कमिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो है जो 5 ईयर के बच्चे के लिए जो कोर स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करूँगी. तो आई स्टे ट्यून टिल देन, एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग. थैंक यू सो मच.